Hello students, welcome to GateLectures.com. I am Puspanjay Kashyap, lecturer of Mechanical Engineering. In this lecture, I am going to solve some examples based on viscosity. Okay, let's start the first example based on the viscosity. This is the example. This is an infinite plate is moved over a second plate on a layer of liquid as shown. For a small gap width d, let's first of all, this depth is small d. We assume a linear velocity distribution, the word linear velocity distribution in the liquid. The liquid viscosity is 0.0065 gram per centimeter second and its specific gravity is 0.88. Determine first one, the absolute viscosity of the liquid in Newton second per square meter, the kinematic viscosity of liquid in square meter per second, and third one, the shear stress on the upper plate in Newton per square meter, and D, the shear stress on the lower plate in Pascal. The lower plate ko humne kya kiya? Sabse pehle, this is fixed. Question hai. Is question ke solution ki baat agar karte hai, toh upper plate ki velocity kya given hai? Upper plate ki velocity is question mein. अब देखो मिसिंग है डेटा u इज इक्वल टू 0.3 मीटर पर सेकंड. ओके, यहां पर बोल रहा है इनफाइनाइट प्लेट मूव्ड ओवर अ सेकंड प्लेट ऑन अ लेयर ऑफ लिक्विड एस वन. द स्मॉल गैप विद d वी अज्यूम अ लीनियर वेलोसिटी प्रोफाइल इन द लिक्विड. द लिक्विड विस्कोसिटी इज 0.0065 ग्राम पर सेंटीमीटर सेकंड एंड इट्स स्पेसिफिक ग्रेविटी इज 0.88. डिटरमाइन फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे बड़ी बात, एक इस क्वेश्चन में एक वर्ड यूज किया है लीनियर वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन. इसका मतलब क्या होता है द वर्ड द लीनियर वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन. ओके, इसको भी हम लोग देखेंगे इस क्वेश्चन में. सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है. गिवन में अगर देखा जाए तो गिवन है आपका सबसे पहले क्या है, लीनियर वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन. दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, लीनियर वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोफाइल इन द लिक्विड बिटवीन इनफाइनाइट parallel plates. Okay, सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन के थ्रू कुछ कंसेप्ट भी बताऊंगा. कंसेप्ट में लीनियर वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोफाइल के कंसेप्ट को समझाऊंगा और इस क्वेश्चन विस्कोसिटी के बेस्ड ऑन जो क्वेश्चन हम लोग दो तीन चार क्वेश्चन जो इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे उसे बहुत ज्यादा कंसेप्ट क्लियर होगा. ओके, तो यहां पर सबसे पहले गिवन क्या है क्वेश्चन में, लीनियर वेलोसिटी प्रोफाइल गिवन है, म्यू कितना गिवन है, दिस म्यू इज 0.0065 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड, म्यू इज इक्वल टू 0.0065 ग्राम पर सेंटीमीटर सेकंड. ओके, एंड एक चीज और गिवन है, द स्पेसिफिक ग्रेविटी इज 0.88. स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर, इट मीन्स द SG specific gravity is 0.88. okay, you all know the dimension of a specific gravity is a specific gravity is dimensionless. Okay, so a specific gravity of the liquid is 0.88. ye cheeze given hai apne paas. Then aapko jo find karna hai, find aapko pata hai find kya kya cheeze karni hai. The absolute viscosity of liquid निकालना है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी फाइंड करनी है, सीयर स्ट्रेस अपर प्लेट पे और सीयर स्ट्रेस लोअर प्लेट पे. तो सबसे पहले देखते हैं ये जो म्यू एब्सोल्यूट विस्कोसिटी म्यू जो गिवन है 0.0065, इसको पहले देखते हैं म्यू इज इक्वल टू 0.0065 ग्राम सेंटीमीटर सेकंड. आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में देखे थे यूनिट, जब मैंने डायनेमिक विस्कोसिटी की यूनिट कराई थी तो ग्राम सेंटीमीटर सेकंड को आप और क्या कह सकते हो, 0.0065 पॉइज.
और पॉइज को कभी भी क्वेश्चन को अगर आपको सॉल्व करना है तो सबसे पहले उसे स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट करना है. तो पॉइज को एमके सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, 10 से डिवाइड करते हैं. ओके, तो म्यू इज इक्वल टू, यहां पर आप सिंपल क्या कह सकते हो, 0.0065 डिविजिबल बाई 10. दिस इज इन वॉट, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, और 0.0065 अपन 10 केजी सेंटीमीटर केजी मीटर सेकेंड. ओके, इसको आप इसमें भी कन्वर्ट कर सकते हैं, सिंपल सी बात है. तो इसको अगर देखना है तो आप क्या लिख सकते हैं, सिंपल, दिस इज म्यू इज इक्वल टू 6.5314 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 4 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर. ओके, म्यू को सबसे पहले हमने कन्वर्ट कर दिया बाय यूजिंग स्पेसिफिक ग्रेविटी. स्पेसिफिक ग्रेविटी का यूज करके हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, डेंसिटी ऑफ द फ्लूड, जो कि आपको अगर आप देखो यहां पर तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी की वो बात कर रहा है स्क्वायर मीटर पर सेकेंड में, तो आप वहां से फाइंड आउट करना है तो आपको डेंसिटी भी चाहिए. तो सबसे पहले इसमें एक कंसेप्ट देखते हैं लीनियर वेलोसिटी प्रोफाइल का. लीनियर वेलोसिटी प्रोफाइल क्या होती है, देन आफ्टर हम लोग क्वेश्चन को सब सारे क्वेश्चन सिंपली सॉल्व कर सकते हैं. कंसेप्ट ऑफ लीनियर, कंसेप्ट ऑफ लीनियर वेलोसिटी प्रोफाइल. ओके, कंसेप्ट ऑफ लीनियर वेलोसिटी प्रोफाइल सिंपल, आप लोगों को जब विस्कोसिटी मैंने डिफाइन किया था तो उसमें दो प्लेट के बीच में फ्लूड एलिमेंट्स को लिया था. ओके, अगर सपोज करते हैं दिस इज वी, this is the velocity is v entire and this height is y. okay, this is y, beech mein koi sa bhi element lete hain, theek hai, yahan par le liya, this distance is dy, if you assume this is dy. okay, to ise agar hum dy consider karte hain, dy consider kiya to yahan se agar aap dekho, agar yahan se aap dekhte ho, यहां से आप देखते हो तो यहां पर एक एंगल बनता है थीटा. ओके, तो क्यों ना मैं इस दोनों डायग्राम को अलग अलग एक्सट्रापोलेट हम करते हैं, थोड़ा मैग्निफाई करते हैं इन डायग्राम्स को. अगर आप यहां पर देखो, दिस इज द ओरिजिनल वन डायग्राम, ओरिजिनल वन, एंड अगर आप लेंथ की बात करते हो इसकी, इस पॉइंट पर v वेलोसिटी है, dt टाइम की बात करते हैं तो दिस डिस्टेंस इज v into dt. ओके, एंड दिस हाइट इज हाउ मच, दिस इज y. ओके, उसके बाद इस एलिमेंट की बात करते हैं, इस छोटे से एलिमेंट की. अब इस छोटे से एलिमेंट को यहां पर मैं एक्सट्रापोलेट कर रहा हूं, ये स्मॉल एलिमेंट को भी मैंने यहां पर मैग्निफाई कर दिया. दिस एंगल इज अगर मैं यहां पर इस एंगल को डी थीटा मानता हूं, दिस इज वेरी स्मॉल एंगल, दैट्स व्हाई दिस इज डी थीटा, दिस इज डी थीटा, दोनों इक्वल होंगे बिकॉज द प्रोफाइल इज लीनियर. लीनियर प्रोफाइल में क्या होगा, बोथ एंगल्स आर इक्वल, मतलब कि द स्लोप ऑफ लाइन इज सेम, यानी कि दिस इज ऑल्सो डी थीटा, दिस इज ऑल्सो डी थीटा, और ये जो डिस्टेंस होगी ये किस कारण से होगी, अगर हम सपोज करते हैं कि इस पॉइंट पर यहां पर u, यहां पर वेलोसिटी क्या है, इस लेयर की वेलोसिटी u है, तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, u प्लस डी यू, सिंपल सी बात है. तो ये जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस ये ट्रेवल कर रहा है, दिस एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल बाई दिस फ्लूड लेयर इज इक्वल टू u into dt within dt time period, and this height is how much, this is dy. okay, तो अगर आप यहां से देखो, इसमें अगर आप देखते हो tan d theta is equal to कितना हो जाएगा, v dt over y, और यहां पर अगर आप देखो tan d theta is equal to u dt, this is not, this is du, du dt upon dy, लिख सकते हैं. theta is very 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 small, that's why tan d theta is equal to d theta, then d theta is equal to d theta upon dt is equal to v upon y, और यहां पर भी देखें तो d theta upon dt is equal to du over dy, यानी कि जब आपका
लीनियर वेलोसिटी प्रोफाइल जब होता है, यानी कि डी थीटा ओवर डी टी इज इक्वल टू वी अपन वाई, वी इज द वेलोसिटी एंड वाई इज द डिस्टेंस बिटवीन टू लेयर्स, ओके, तो वी अपन वाई भी हम नोट डाउन कर सकते हैं. तो दिस फॉर्मूला इज वैलिड ओनली फॉर, दिस फॉर्मूला इज वैलिड. अब आप यहां से अगर आप देखना चाहें तो गवर्निंग इक्वेशन टाउ इज इक्वल टू म्यू यू ओवर वाई लिख सकते हैं, एंड टाउ इज इक्वल टू एफ बाई ए इज इक्वल टू म्यू यू अपन वाई, एंड देन एफ इज इक्वल टू म्यू ए यू अपन वाई. दिस फॉर्मूला इज वैलिड ओनली फॉर लिनियर वेलोसिटी प्रोफाइल, ओके, दिस इज वैलिड ओनली फॉर लिनियर वेलोसिटी प्रोफाइल, ओके. ये केवल लिनियर वेलोसिटी प्रोफाइल के लिए ही वैलिड है. तो इस क्वेश्चन में आपको क्या बोला, लीनियर वेलोसिटी प्रोफाइल, लीनियर वेलोसिटी प्रोफाइल बोला है, तो आप फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कर सकते हैं हम लोग, ओके. नाउ देखते हैं लीनियर वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन. आप लोगों ने देख लिया कि लीनियर वेलोसिटी प्रोफाइल के लिए क्या चीज वैलिड है, डायरेक्ट फॉर्मूला. आपने देखा कि एंगल लीनियर वेलोसिटी प्रोफाइल में दोनों एंगल इक्वल होता है, तो आप टाउ इज इक्वल टू डी यू म्यू डी यू ओवर डी वाई यूज करें या म्यू यू ओवर वाई. म्यू यू ओवर वाई इज ओनली वैलिड फॉर लीनियर वेलोसिटी प्रोफाइल, ओके. तो अब यहां पर सबसे पहला, यहां पर ए, ए में क्या हमें फाइंड आउट करना है, द एब्सोल्यूट विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड इन न्यूटन सेकंड पर स्क्वायर मीटर. तो आपने यहां पर देखा डायरेक्ट ए पोर्शन, पार्ट ए की बात करते हैं. ए क्या चीज गिवन है, म्यू इज इक्वल टू 0.0065 ग्राम पर सेंटीमीटर सेकंड, ये चीज गिवन है. ये आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में भी बताया था, दिस इज कॉल्ड पॉइज, और पॉइज को एमकेएस सिस्टम में, एमकेएस सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होता है. और देखो सबसे बड़ी बात है, यहां पर ये क्या बोल रहे हैं कि ग्राम सेंटीमीटर सेकंड में तो गिवन है, यहां पर बोल रहे हैं न्यूटन सेकंड पर स्क्वायर मीटर, पर मीटर स्क्वायर पे बात करना है, यानी कि आपको पर मीटर स्क्वायर में निकालना है. तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे, म्यू इज इक्वल टू 0.0065 डिविजिबल बाई 10, पॉइज से इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, इज केजी पर मीटर सेकंड, इसमें ये कन्वर्ट हो गया, ओके, केजी पर मीटर सेकंड, यानी कि म्यू इज इक्वल टू 6.5 इंटू 10 रेस टू द पावर माइनस 4 केजी मीटर सेकंड. अब केजी मीटर सेकंड में है, इसको आपको न्यूटन मीटर पर, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है. तो आप देखो न्यूटन करने के लिए क्या चाहिए, मीटर पर सेकंड स्क्वायर चाहिए, ओके. अब देखो म्यू इज इक्वल टू 6.5 इंटू 10 रेस टू द पावर माइनस 4 केजी है, मीटर चाहिए, पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है. आपने ऊपर एक मीटर दिया, नीचे एक मीटर देना पड़ेगा, सिंपल, ऊपर आपको सेकंड स्क्वायर देना पड़ेगा, क्लियर सी बात है, ऊपर सेकंड स्क्वायर दिया, नीचे अब आपका क्या है, मीटर है और सेकंड पड़ा हुआ है. तो ये केजी मीटर सेकंड स्क्वायर, दिस इज इन न्यूटन, न्यूटन हो गया. फिर यहां पर आप देखो तो एक एस से एक एस कैंसिल, then mu is equal to 6.5 into 10 raised to the power minus 4 newton second per meter square. और simple सी बात है, this is called Poiz, this is called Poiz, और Poiz से MKS system में convert करने के लिए direct 10 से divide कर दो, तो आप यहाँ पे भी लिख सकते थे mu is equal to 6.5 into 10 raised to the power minus 4 newton second per meter square, okay. तो first question ये रहा, फर्स्ट पार्ट. बी पार्ट क्या है, बी पार्ट में हमें क्या निकालना है, द काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड इन स्क्वायर मीटर पर सेकंड. तो अब आते हैं बी पार्ट पे, बी पार्ट इज व्हाट, न्यू इज इक्वल टू काइनेमेटिक विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, दिस इज कॉल्ड द काइनेमेटिक विस्कोसिटी, एंड न्यू इज इक्वल टू म्यू अपन रो, म्यू अपन रो. आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन है, म्यू कितना है 6.5 into 10 raised to the power minus 4, and density के लिए क्या करना है, density के लिए simple सी बात है, density into specific gravity, okay, specific gravity into density of water, ठीक है, simple सी बात है, because यहाँ पर आप देख सकते हैं, because specific gravity Sg is equal to density of given fluid
of given fluid upon, अगर यहां फ्लूड की जगह मैं लिक्विड की बात कर रहा हूं तो नीचे क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड लिक्विड होती है तो स्टैंडर्ड लिक्विड कौन सा लेते हैं, H2O. ओके, तो यहां से आप इसकी जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी, जिस फ्लूड की स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको निकालनी है, उस फ्लूड की डेंसिटी अपन द डेंसिटी ऑफ वाटर. आप लिक्विड में वाटर यूज कर सकते हैं, मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में ये सारी चीजें बताई हैं. तो यहां पर स्पेसिफिक ग्रेविटी इनटू रो ऑफ H2O, दिस इज न्यू इज इक्वल टू 6.5 इनटू 10 रेस टू द पावर -4 अपन स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू कितनी है, 0.88 इनटू 10 रेस टू द पावर 3. ओके, 0.88 इनटू 10 रेस टू द पावर 3 एंड दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 7.39 इनटू 10 रेस टू द पावर -7 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड. ओके, दिस इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी, दिस इज द काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूड. ओके, काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूड. अब तीसरा क्या है, तीसरे में आपको क्या फाइंड आउट करना है, द सियर स्ट्रेस ऑन द अपर प्लेट इन न्यूटन स्क्वायर मीटर. अपर प्लेट पर सियर स्ट्रेस की बात हम कर रहे हैं, ठीक है, वो भी किसमें, न्यूटन मीटर स्क्वायर में. सिंपल सी बात है, तो गवर्निंग इक्वेशन आप कौन सा यूज कर रहे हो, टाउ इज इक्वल टू म्यू डू ओवर डी वाई. सिंपल सी बात है, तो अगर आप देखो तो अपर प्लेट डिस्टेंस कितने पर है, अगर लोअर प्लेट से यहां से डिस्टेंस मैं मेजर कर रहा हूं तो ये डिस्टेंस डी पे है. तो इस पर अगर आपको सियर स्ट्रेस निकालना है तो आप क्या कर सकते हैं, वाई को डी पुट कर सकते हैं और सिंपली फाइंड आउट कर सकते हैं. देखिए सिंपल, अगर आप यहां पर डी सेक्शन की बात करते हैं, डी सेक्शन पे आते हैं, सी पार्ट क्या कहता है, काइनेमेटिक विस्को सियर स्ट्रेस ऑफ द सियर स्ट्रेस ऑन द अपर प्लेट इन न्यूटन स्क्वायर मीटर. ओके, नाउ हियर द टाउ अपर, दिस इज डिनोटेड बाय टाउ अपर. अपर प्लेट की हम बात कर रहे हैं, सियर स्ट्रेस हमें फाइंड आउट करना है कहां पे, अपर प्लेट पे फाइंड आउट करना है. दिस इज टाउ व्हाट म्यू डी यू ओवर डी वाई एट वाई इज इक्वल टू डी. सिंपल सी बात है, वाई को अगर मैं डी रखता हूं, ठीक है, और गिवन क्या है, फॉर लीनियर वेलोसिटी प्रोफाइल आप क्या पुट कर सकते हो, टाउ अपर इज इक्वल टू म्यू यू ओवर वाई. सिंपल, अभी आपने उस कंसेप्ट को देखा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैंने उस कंसेप्ट को डिफाइन किया, तो म्यू यू ओवर वाई. अब अगर आप क्वेश्चन में देखो तो यू की वैल्यू कितनी है, 0.3 एंड वाई की वैल्यू कितनी है, दिस इज डी. ओके, डी इज इक्वल टू, पार्डन, क्वेश्चन में गिवन है डी इज इक्वल टू 0.3 mm, दिस इज इन mm. आपको निकालना है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आपको फाइंड आउट करना है. ओके, तो यहां पर आते हैं, म्यू की वैल्यू कितनी आई, आप अगर यहां पर पुट करो 6.5, दिस वैल्यू इज 6.5 इंटू 10 रेस टू द पावर -4 इंटू यू इज इक्वल टू, यू की वैल्यू कितनी है, 0.3 मीटर पर सेकेंड, 0.3 मीटर में है, मीटर पर सेकेंड है, और नीचे जो वाई है वो 0.3 mm है, तो 0.3 इंटू 10 रेस टू द पावर -3 मीटर. ओके, यूनिट कन्वर्जन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सॉल्विंग एनी न्यूमेरिकल. ओके, तो यहां पर सब यूनिट सेम आ चुके हैं, तो अगर आप देखो यहां से तो 0.3 कैंसिल आउट, 10 रेस टू द पावर -3, 10 रेस टू द पावर -4 क्या हो जाएगा, 10 रेस टू द पावर 6.5 इंटू 10 रेस टू द पावर -1, ठीक है, दिस इज इक्वल टू टाउ अपर इज इक्वल टू 0.65 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट सी. ओके, ये पार्ट सी का है. अब सबसे बड़ी बात है, पार्ट डी क्या कहता है, द सियर स्ट्रेस ऑन लोअर प्लेट इन पास्कल. पास्कल को हम क्या कहते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. तो लोअर
प्लेट की बात वो कर रहा है। तो एक बात बताओ, फ्रॉम न्यूटन्स थर्ड लॉ, अगर आप सपोज करो ये एक प्लेट है, एक ये प्लेट है, ठीक है, इस प्लेट पर आपको सियर स्ट्रेस लग रही है, अगर इस प्लेट पर सियर स्ट्रेस की वैल्यू कितनी है, टाउ इजिकल टू, मैं स्ट्रेस की बात कर रहा हूं ना कि फोर्स की बात कर रहा हूं, दिस इज स्ट्रेस, 0.65 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो फ्रॉम न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो इस प्लेट पर उतना ही सियर स्ट्रेस, तभी तो इक्विलिब्रियम मेंटेन होगी, तभी तो आपकी, हमने जो चीज माना लिनियर वेलोसिटी प्रोफाइल है, इट मींस फ्लो कैसी है, फ्लो को आप एज्यूम कर सकते हो एजम्पशंस में कि फ्लो आपकी स्टेडी है, तो स्टेडी फ्लो को मेंटेन करने के लिए, म्यू को कांस्टेंट रखने के लिए, बिकॉज कि हमें ये मानना पड़ेगा, क्वेश्चन में एज्यूम करना पड़ता है कि द फ्लो स्टेडी, फ्लो द फ्लो इज स्टेडी, ओके। तो स्टेडी फ्लो को मेंटेन करने के लिए इक्विलिब्रियम मेंटेन होना बहुत जरूरी है। तो फ्रॉम न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो लोअर प्लेट पर भी कितना लग रहा होगा, 0.65 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो डी का आप आंसर क्या दे सकते हैं, टाउ लोअर इज इक्वल टू 0.65 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और 0.65 पास्कल, ठीक है, इक्वल फ्रॉम न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, मोशन को मेंटेन रखने के लिए, स्टेडी फ्लो को मेंटेन रखने के लिए, आप यहां पर एक एज्यूम कर सकते हो, आप यहां पर एजम्पशंस में लिख सकते हो, सिंपल एजम्पशन कर सकते हो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, इसलिए कि देखो म्यू आपका थ्रू आउट द फ्लो, म्यू कांस्टेंट है, प्रॉपर्टीज कांस्टेंट है, प्रॉपर्टी इज नॉट अ फंक्शन ऑफ टाइम, प्रॉपर्टी विल नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो आगे हम देखेंगे कि स्टेडी फ्लो वगैरह क्या होता है, इसलिए मैंने यहां पर उसका जिक्र नहीं किया ज्यादा। तो आप एजम्पशंस में यहां पर सिंपल लिख सकते हैं कि स्टेडी फ्लो, आप क्या मान रहे हो, स्टेडी फ्लो मान रहे हो, सिंपल स्टेडी फ्लो मानोगे सारी चीजें कॉन्स्टेंट हो जाएंगी, प्रॉपर्टीज विद रिस्पेक्ट टू टाइम कॉन्स्टेंट हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ फ्लैट प्लेट 0.1 स्क्वायर मीटर एरिया इज पुल्ड एट 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड रिलेटिव टू अनदर प्लेट लोकेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.01 सेंटीमीटर फ्रॉम इट द विस्कोसिटी ऑफ फ्लूड इज 0.001 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, देन फाइंड द पावर रिक्वायर्ड टू मेंटेन द वेलोसिटी। सिंपल सॉल्यूशन देखते हैं इसका कैसे करना है। सबसे पहले गिवन में क्या है, गिवन में क्या है, प्लेट एरिया इज इक्वल टू 0.1 मीटर स्क्वायर, वेलोसिटी द रिलेटिव वेलोसिटी, आप वी कह सकते हो, दोनों प्लेट के बीच की जो रिलेटिव वेलोसिटी है, आप अगर विस्कोसिटी में जो एनालाइज करते हो तो ये जो ड्यू जो डीयू जो होती है वो कौन सी वेलोसिटी होती है, वो रिलेटिव वेलोसिटी होती है, बिकॉज की इन दोनों का डायरेक्शन सेम है, इन दोनों लेयर्स का डायरेक्शन सेम है, लेकिन ये लेयर इससे थोड़ी ज्यादा वेलोसिटी से जा रही है, सेम डायरेक्शन में दोनों माइनस होंगे, तो रिलेटिव वेलोसिटी की वैल्यू कौन सी होती है, डीयू होती है, ओके। तो आप यहां पर डायरेक्ट लिख सकते हो डीयू इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड एंड लोकेटेड एट अ डिस्टेंस डीवाई इज इक्वल टू 0.01 सेंटीमीटर, ओके। यहां पर आप लिख सकते हैं, सिंपल सी बात है, फ्रॉम द विस्कोसिटी ऑफ फ्लूड इज विस्कोसिटी म्यू इज इक्वल टू 0.001 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, देन फाइंड द पावर रिक्वायर टू मेंटेन द वेलोसिटी। हमें पावर फाइंड करना है, पावर इज इक्वल टू क्या होता है, सबसे पहले जो चीज हमें फाइंड करना है, फाइंड क्या करना है, पावर, ठीक है, पावर, पावर इज इक्वल टू वॉट, पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी, फोर्स इंटू वेलोसिटी, सिंपल सी बात है, दिस इज एफ इंटू वी, वेलोसिटी कौन सी है, आप यहां पर देखो, यहां पर आपने डीयू भी देखा है, डीयू इज इक्वल टू 30, दिस इज रिलेटिव, रिलेटिव टू अनदर प्लेट, एरिया इज पुल्ड टू 30 सेंटीमीटर रिलेटिव टू अनदर प्लेट, तो अनदर प्लेट को अगर आप देखते हैं, अगर आप अनदर प्लेट को क्या आप मान सकते हो, और यही वेलोसिटी मेंटेन करनी है, तो आप यहां पर इसको ये भी लिख सकते हैं, यू इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड, इसी को मेंटेन करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो आप डी यू और यू दोनों चीज लिख सकते हैं, डीवाई और
वाई दोनों चीज लिख सकते हैं, तो ये भी आपका क्या हो गया लीनियर वेलोसिटी प्रोफाइल के कंसेप्ट पर इसे आप फिट कर सकते हो, बिकॉज आपको क्या मेंटेन करना है, देन फाइंड द पावर रिक्वायर्ड टू मेंटेन द वेलोसिटी, सेम वेलोसिटी आपको मेंटेन करनी है, तो वेलोसिटी को आप यहां पर क्या चीज कर सकते हैं, सिंपल आप यहां पर यूज कर सकते हैं यू एफ इंटू यू, सिंपल पावर इज इक्वल टू एफ इंटू यू, देन पावर इज इक्वल टू एफ इंटू यू, आपके पास यू है फोर्स नहीं है, देन फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है म्यू ए यू अपन वाई, दिस इज फोर्स, फोर्स इज इक्वल टू फ्रॉम हियर म्यू की वैल्यू गिवेन है 0.001 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, एरिया गिवेन है, ए गिवेन है, वाई गिवेन है, सब कुछ गिवेन है, तो फ्रॉम हियर वी कैन फाइंड दिस फोर्स इज इन दिस फोर्स, ओके करते हैं 0.001 इंटू 0.1 ऑल सब डायमेंशंस को मेंटेन करके चलना है, डायमेंशन हमें सेम यूनिट में सब कुछ रखना है, यू इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 30 इंटू 10^-2 मीटर में कन्वर्ट किया अपन वाई इज इक्वल टू 0.001 सेंटीमीटर, तो इसको क्या लिख सकते हैं 0.01 इंटू 10^-2, ओके देन पावर इज इक्वल टू यहां से 10^-2 10^-2 कैंसिल आउट, यहां से कितना हो जाएगा 0.001 इंटू 0.1 इंटू 30 अपन 0.01 इंटू वेलोसिटी इज 0.3 मीटर पर सेकेंड, इसको कन्वर्ट करेंगे तो 0.3 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, देन फ्रॉम हियर द पावर इज इक्वल टू 0.09 वॉट, ओके दिस इज द पावर रिक्वायर्ड टू मेंटेन द वेलोसिटी, अगर मुझे वेलोसिटी सेम मेंटेन करना है तो लीनियर प्रोफाइल होगी, और लीनियर प्रोफाइल होगी तो हम लीनियर प्रोफाइल का इक्वेशन यूज कर सकते हैं, आप क्लियर देख सकते हो यहां पर रिलेटिव दे रहा है तो वो डीयू की बात कर रहा है, बट यहां पर वो क्या बोल रहा है पावर रिक्वायर्ड टू मेंटेन द वेलोसिटी, तो हमें लीनियर की ही बात करनी है तो उसे यू भी ले सकते हैं, इसे वाई ले सकते हैं, ओके नाउ वी विल मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी गुड क्वेश्चन, अ स्केटर वेगिंग 800 न्यूटन स्केट्स एट अ रेट ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड ऑन आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, द एवरेज स्केटिंग एरिया सपोर्टिंग हिम इज 10 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन स्केट्स एंड आइस इज 0.02, इफ देयर इज एक्चुअली अ थिन फिल्म ऑफ वाटर बिटवीन स्केट एंड आइस देन फाइंड द थिकनेस, द विस्कोसिटी ऑफ वाटर इज इतना, सबसे पहले सॉल्यूशन में इस चीज को विजुअलाइज करने का प्रयास करते हैं, सबसे पहले क्या कहना चाहता है एक स्केटर है उसका वेट कितना है 800 न्यूटन, ठीक है, और स्केटर स्केट कितने के वेलोसिटी से कर रहा है 15 मीटर पर सेकेंड, आइस कितने पर है 0 डिग्री सेल्सियस पर, द एवरेज स्केटिंग एरिया सपोर्टिंग हिम इज 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, जिस एरिया पर स्केटर का वेट लग रहा है, ओके द कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन स्केट एंड आइस इज इतना, इफ देयर इज एक्चुअल थिन फिल्म ऑफ वाटर बिटवीन स्केट एंड आइस देन फाइंड द थिकनेस, तो उसके बीच में अगर कुछ स्केट और आइस के बीच में कुछ वाटर का एक थिन लेयर है उसी के थिकनेस फाइंड आउट करना है, इट मीन्स क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि ये रहा आइस, इसके बीच में हमने भर दिया कुछ वाटर है और यहां पर है आपका स्केटर, ठीक है, दिस इज स्केटर, ओके एंड दिस थिकनेस इज वाई, हमें यही चीज फाइंड आउट करनी है, सिंपल सी बात है, तो अगर आप देखो तो F इज इक्वल टू क्या होता है, आप क्या मान के चलोगे, ऐसे सब क्वेश्चंस में आप सिंपल सा एज्यूम कर सकते हो लीनियर वेलोसिटी प्रोफाइल, ओके लीनियर वेलोसिटी प्रोफाइल आप इफ देयर इज एक्चुअल अ थिन फिल्म, ठीक है, रेट दिया हुआ है 15 मीटर पर सेकेंड, तो दिस इज म्यू ए वी ओवर वाई, ओके देन y is equal to f upon y is equal to mu av upon f, आपके पास mu given है क्वेश्चन में, द विस्कोसिटी ऑफ वाटर इज इतना, एरिया गिवेन है, एरिया सपोर्टिंग एरिया इज 10 स्क्वायर सेंटीमीटर, वेलोसिटी गिवेन है 15 मीटर पर सेकेंड, आपके पास क्या नहीं गिवेन है f,
एफ की वैल्यू आपके पास नहीं है और सबसे पहले आपको एफ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ओके, एफ की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अगर आप यहां से देखो तो म्यू इज इक्वल टू कितना है, 10^-3 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर. देन एरिया ए इज इक्वल टू 10^-10 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो 10^-4 मीटर स्क्वायर. ओके, एंड वेलोसिटी इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड. यही चीजें गिवेन है अपने पास, 15 मीटर पर सेकेंड. ओके, आपके पास क्या नहीं है, एफ. एफ इज इक्वल टू व्हाट? तो एफ को फाइंड आउट करने के लिए, एफ को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या देखना होगा, स्कैटर जहां पे है. मैं इसको इरेज कर रहा हूं इस डायग्राम को. सिंपल, यहां पर देखते हैं, यहां पर बनाते हैं उसका डायग्राम. दिस इज वाई एंड हियर इज द स्केटर. ठीक है, यहां पर स्केटर है. अगर आप इसका एबीडी देखना चाहें, एबीडी देखना चाहें, तो ये कितना वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है स्केटर का एबीडी. दिस इज 800, W इज इक्वल टू mg. mg कितना दे रहा है, 800. एंड हियर दिस इज रिएक्शन आर फ्रॉम न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. ओके, और एक फोर्स क्या लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स. फ्रिक्शन फोर्स भी तो एक्ट कर रही है. यहां से अगर आप देखो तो R इज इक्वल टू mg. ठीक है, देन F, F फ्रिक्शन फोर्स. F इज इक्वल टू, यहां पर कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है, जो फोर्स की बात हम यहां पर कर रहे हैं. आप सिंपल सी बात देखो, यहां पर किस फोर्स की हम बात कर रहे हैं, जो सियर फोर्स एक्ट कर रहा है बॉडी पे. और यहां पर जो सियर फोर्स, ये जो आपका स्केटर है इस पर स्केटिंग कर रहा है, मान लो इस डायरेक्शन में स्केटिंग कर रहा है, तो इस पर एक फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर रही है अपोजिट डायरेक्शन में. दिस इज फ्रिक्शन फोर्स एफ, और वही फोर्स तो है सियर फोर्स. तो एफ इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू इंटू आर. And R is equal to, from this diagram, R is equal to mg, then F is equal to mu mg. Okay, mu mg, और mg की value कितनी है, 800 newton. Then F is equal to mu. Mu कितना है, 0.02 into 800. Okay, this is equal to, force is equal to, कितना हो जाएगा, this is equal to 16 newton. Okay, then we can find the value of y. Y is equal to 10^-3 into 10^-4. यहां पर कितना है, 10 स्क्वायर है, तो दिस इज इक्वल टू 10 एरिया इज हियर द 10 स्क्वायर सेंटीमीटर. दिस इज 10^-3, बिकॉज अगर आप यहां पर देखो तो 10/4 इज इक्वल टू 10^-3 मीटर स्क्वायर. तो हियर ऑल्सो इज 10^-3 इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी. वेलोसिटी इज 15 मीटर पर सेकेंड अपन फोर्स 16. फ्रॉम हेयर द y इज इक्वल टू 9.37 अप्रॉक्सीमेट 9.37 इंटू 10^-7 मीटर. ओके, दिस इज द कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ दिस न्यूमेरिकल. ओके, थैंक यू.